हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आइस इंग्लिश में आपका स्वागत है। सो ये जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 47 वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है जुवेनाइल, JUVENILE। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर या फिर नाबालिग व्यक्ति। नाबालिग यानी जो 18 साल से छोटा हो, उसे हम इंग्लिश में जुवेनाइल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मैक्सिमम जुवेनाइल सेंटेंस इज 20 ईयर्स। The maximum juvenile sentence is 20 years, यानी अधिकतम किशोर की सजा 20 साल है। यहाँ पर sentence का मतलब है सजा, वाक्य नहीं, sentence का मतलब होता है सजा। The maximum juvenile sentence is 20 years। Maximum जो सजा है 18 साल से छोटे लोगों की वो है 20 साल। Second example है, He is a juvenile delinquent, यानी वह एक किशोर अपराधी है। डेलिन्क्वेंट यानी अपराधी, वो 18 साल से छोटा अपराधी है। नेक्स्ट वर्ड है सेल्डम, SELDOM, सेल्डम, जिसका मतलब होता है कभी कभार या फिर शायद ही कभी, यानी बहुत कम, बहुत रेयरली। पहला एग्जांपल देखते हैं। अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस, यानी अवसर शायद ही कभी दो बार दस्तक देता है। यानी जो अपॉर्चुनिटी होती है बहुत रेयरली, बहुत कम या कभी कभार ही किसी को दो बार आती है। नेक्स्ट एग्जांपल है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। मेरे ख्याल से ये प्रोवर्ब आपने सुना होगा, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जी हाँ, बहुत यूजफुल, बहुत पॉपुलर है ये वाला प्रोवर्ब, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट है इंसोमनिया, जिसका मतलब है अनिंद्रा या फिर नींद ना आना, जिसको नींद नहीं आती। आप पूरी कोशिश करते हैं सोने की बट आप सो नहीं पाते। कई बार ये प्यार में भी ऐसा होता है, बोलने की बातें ये सारी। इंसोमनिया का मतलब है अनिंद्रा या नींद ना आना। एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम हेड एक्स एंड इंसोमनिया, यानी वह सिर दर्द और अनिंद्रा से पीड़ित है, उसे सफर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है worries and tenseness can lead to insomnia, यानी चिंता और तनाव से अनिंद्रा हो सकती है। जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, चिंता होती है, वो चैन से सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती। नेक्स्ट वर्ड है Xerox, जिसका मतलब होता है प्रतिलिपि। ये काफ़ी प्योर हिंदी हो गया, इसको हम कॉपी या फिर फोटोकॉपी बोल सकते हैं। जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं कभी, उसे हम जेरोक्स कहते हैं इंग्लिश में। Could you Xerox this letter please, जिसका मतलब है क्या आप कृपया इस लेटर को कॉपी कर सकते हैं, या फिर क्या इसकी आप फोटोकॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Xerox is not clear, यानी कॉपी स्पष्ट नहीं है, जो फोटोकॉपी है वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है crucial, जिसका मतलब है कठिन या फिर अत्यधिक महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। It's a crucial decision, यानी यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत बड़ा, बहुत ही कठिन निर्णय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है The next few weeks are going to be crucial, यानी अगले कुछ हफ्ते अहम होने वाले हैं। अहम यानी भी बहुत ज़रूरी, बहुत कीमती होने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है mockery, जो कि काफ़ी अच्छा वर्ड है बोलने में, जिसका मतलब होता है उपहास या फिर मजाक, मस्ती मजाक जो हम बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में mockery भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, His smile was full of mockery, यानी उसकी मुस्कुराहट मजाक से भरी थी। उसकी स्माइल में ही समझ में आ रहा था कि वो मजाक कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है There was a hint of mockery in his voice, यानी उनकी आवाज़ में मजाक का एक संकेत था। यानी वो जैसे बोल रहे थे तो उसके बात करने के तरीके से, उनकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है expenditure, जिसका मतलब है खर्च या फिर व्यय, खर्च करना, जो हम पैसे खर्च करते हैं किसी चीज पर, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल, माई एक्सपेंडिचर इज कंडीशन बाय माई इनकम, यानी मेरा जो खर्च है वो मेरी आय से वातानुकूलित है। यानी जितनी मेरी इनकम होगी, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैं खर्च भी ज़्यादा करता हूँ, कम है तो कम करता हूँ, उस पर डिपेंड करता है इनकम पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है We must try our best to regulate our expenditure, यानी हमें अपने खर्च को नियमित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
हमें अपने खर्च को नियमित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण या फिर गहना, जो भी हम गहने ज्वेलरी हम लगाते हैं कान या फिर नाक में कहीं पर भी, उसे इंग्लिश में ऑर्नामेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट इज इट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट इट इज, यानी वाह कितना सुंदर आभूषण है ये। नेक्स्ट है ही गेव मी दैट ऑर्नामेंट, ही गेव मी दैट ऑर्नामेंट, उसने मुझे वह या वो वाला आभूषण या गहना दिया। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडेंशियल्स, CREDENTIALS, क्रेडेंशियल्स, ये भी काफ़ी यूजफुल वर्ड है जिसका मतलब है प्रमाण पत्र या फिर डिटेल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ द परफेक्ट क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब, शी हैज़ द परफेक्ट क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब, यानी उसके पास नौकरी के लिए सही प्रमाण है, उसके जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं जो जॉब के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एग्जामिंड हिज क्रेडेंशियल्स, I examined his credentials, यानी मैंने उसके प्रमाण पत्रों की जांच की। examine करना यानी जांच करना या चेक करना, उसके जो भी प्रमाण पत्र थे उसकी डिटेल्स थी मैंने वो चेक की। या फिर जो हम कोई सोशल मीडिया कोई भी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स डालते हैं, ID, पासवर्ड वगैरह, आपका नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ों को भी हम credentials कहते हैं। जैसे आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो आपका डिटेल, एड्रेस वगैरह जो भी डालते हैं उसे भी हम credentials बोलते हैं। और लास्ट वर्ड है आज का vast, 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 जिसका मतलब है विशाल या फिर बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, द डिक्शनरी इज अ वास्ट ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, द डिक्शनरी इज अ वास्ट ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी शब्दकोश जो है डिक्शनरी या डिक्शनरी जो भी आप बोलते हो, वो सूचना का एक विशाल खजाना है, उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है खजाने जैसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज अ वास्ट डेजर्ट, इट इज अ वास्ट डेजर्ट, यानी यह एक विशाल रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। सो चलिए एक बार सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था जुविनाइल, जुविनाइल का मतलब है किशोर या फिर नाबालिग व्यक्ति जो 18 साल से छोटा हो। नेक्स्ट है सेल्डम यानी कभी कभार या शायद ही कभी, इंसोम्निया यानी नींद ना आना या अनिंद्रा, जेरोक्स यानी कॉपी फोटोकॉपी किसी चीज़ की। नेक्स्ट है क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है कठिन या फिर अत्यधिक महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मॉकरी, मॉकरी का मतलब है उपहास या फिर मजाक। एक्सपेंडिचर यानी खर्च या फिर व्यय। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब था गहने या फिर आभूषण। क्रेडेंशियल्स यानी प्रमाण पत्र या प्रत्यय पत्र भी बोल सकते हैं, डिटेल्स। और लास्ट है वास्ट, वास्ट का मतलब है विशाल या फिर बहुत बड़ा। सो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।